सत श्री अकाल जी। आज मैं थोड़े लिए आमलिया के नुस्खे लैके आई हूँ, क्योंकि आमलिया च बड़ा गुण हुंदा है ते आमला जिहड़ा है एक कई मर्जा नाल लड़न की ताकत रखता है और इहदे विच सब तो ज़्यादा विटामिन सी हुंदा है। हर मनुख नूं एक दिन विच 50 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत हुंदी है, जिहड़ा एक आमले के रस विच मिल जाता है। पर एक गल होर दसां, एक कामला दो संतरियां दे बराबर हुंदा है, जेड़ा शरीर दे विच बीमारियां नाल लड़न दी ताकत पैदा करता है। जे थोनू गर्मियां च बहुत प्यास लगदी होवे ना, ते आमले दा शरबत पी लो, प्यास बंद हो जाओ। जे नकसीर आंदी होवे ते राती सुके आमले पानी च भिओ दिओ, सवेरे ओहदे पानी नाल सिर धो लो, नकसीर बंद होगी। ते जे फिर नकसीर आ रही होवे ते आमले दे रस दीआं दो बूंदा नक च पाओ, नकसीर बंद हो जाओ। जे थोड़ा बच्चा तुतलांदा होवे उनू कच्चा औला खाण की आदत पाओ, उहदे नाल जबान पतली हुंदी है ते वह जबान साफ भी करता है। ते जे वह राती बिस्तरा गिला करता है ते 1 ग्राम आमले का चूरन, 1 ग्राम काला जीरा, 2 ग्राम मिश्री च मिला के राती सौण तो पहला ठंडे पानी नाल देखना, बिस्तरा गिला ही नहीं होना। जे किसी नूं पथरी होवे ते आमले दे चूरन नाल मूली खाण नाल पथरी पेशाब दे रस्ते बाहर निकल जांदी। जे किसी नूं सफेद पानी की शिकायत होवे ना, 20 ग्राम आमले का रस लैके उन्हूं शहद च मिला लो, 1 महीना रोज़ खाण नाल उहदी इह शिकायत भी दूर हो जाएगी। ते जे किसी नूं पेशाब च जलन है या शुगर की बीमारी है तो उहदे लई भी यही नुस्खा है। अजकल कब्ज़ की शिकायत सब नूं रहिंदी है, इसलिए राती सौण तो पहला 1 चम्मच आमले का चूरन गर्म पानी या दुध नाल लै लो, सवेरे पेट साफ हो जाओ। किसी ने ठीक किया कि वड्डियां दा किया ते औलियां दा खादा बाद च स्वाद आंदा। चंगा जी, हुण औले खाओ